हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू निटिंग ट्यूटर आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये गले का बॉर्डर हम कैसे बनाएंगे कैसे फंदे उठाएंगे और कैसे बॉर्डर बनाएंगे लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये गले की घटाई बताई थी कि गला कैसे घटाना है ये कंधे कैसे जोड़ने हैं वो सब मैं पहले बता चुकी हूँ आज मैं बताऊँगी कि हमें गले का बॉर्डर कैसे बनाना है एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे हम अब हम ये वाले फंदे ये देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि इनको हम बंद नहीं कर रहे हैं इनको हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं तो अब हम फंदे उठाते टाइम इनको साथ में ले लेंगे यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस ये पैंतीस पैंतीस फंदे हमारे उड़ गए अब हम सारे फंदे गिन लेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस यानी कि ये फोर्टी थ्री स्टिचेज़ हो गए अभी हमारे तो हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमें चालीस फंदे रखने हैं आप पैंतीस से चालीस के बीच में इसमें फंदे रख सकते हैं आप अड़तीस रख सकते हैं सैंतीस रख सकते हैं उनतालीस रख सकते हैं इस तरह से आप इसमें फंदे रखेंगे यानी हमारी पूरी गोलाई में फंदे आके 110 से 120 के बीच में ये फंदे रहने चाहिए 110 से हम कम नहीं रखेंगे और 120 से ज़्यादा नहीं रखेंगे उसके बीच में हमारे ये फंदे रहने चाहिए दोनों साइडों में हमारे एक बराबर फंदे होने चाहिए पीछे पीछे वाले फंदे कम या ज़्यादा हो सकते हैं अभी हम यहाँ मार्कर लगा लेंगे फोर्टी थ्री हैं ये हम पहली सलाई जब करेंगे तब हम इनको घटाएँगे ये हमारे कितने फंदे हैं इनको हम गिन लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इक्यालीस बयालीस तैंतालीस चवालीस पैंतालीस छियालीस फ़ोर्टी सिक्स इस्टिचेज़ हैं यहाँ भी हमें फोर्टी से ऊपर नहीं रखने हैं तो हमें ये सिक्स सिक्स इस्टिचेज़ जब हम उल्टी सिलाई लाएंगे तो हमें ये घटाने होंगे इसी तरह से हम यहाँ भी बीच में मार्कर लगा देंगे ताकि हमें फंदे गिनने में आसानी रहे कि आगे के कितने हैं और पीछे के कितने और ये वाले फंदे भी अब हम उठा लेंगे इधर की साइड के देखिए ये हमने सारे फंदे उठा लिए हैं ये आगे के ये दूसरी तरफ के आगे के और ये पीछे के अब हम इन्हें फंदों को घटा लेंगे चालीस या अड़तीस इधर रखूँगी मैं चालीस या अड़तीस इधर रखूँगी और पीछे के भी मैंने चालीस रखने हैं यानी मैं दोनों साइड अड़तीस अड़तीस रख रही हूँ और पीछे के मुझे चालीस रखने हैं यहाँ मेरे फोर्टी फोर स्टिचेज़ ये आए हैं ये हमें बॉर्डर बुनना बुनते हुए जाना है तो हम ये फंदे घटा लेंगे जो बॉर्डर के पहले आठ फंदे हैं इनको तो हम ऐसे ही बुनेंगे इनका कुछ नहीं करना है हमें और यहां से हमें ये फंदे घटाने हैं दो तीन चार पाँच सा सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह 19, बीस हो गए हमारे ये इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस अभी मेरे ये ज़्यादा फंदे घट गए ये देखिए यहाँ तक मैंने फंदे घटा लिए मैंने इसमें ये वाले फंदे गिनना मैं भूल गई थी अभी मैंने ये वाले फंदे भी गिने मैं यहाँ से ही इनको गिन रही थी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह ये यहाँ तक हमारे छत्तीस पंदे आ गए और ये उन्नीस ये अड़तीस पंदे आ गए अभी हमारे यहाँ एक फंदा और घटेगा देखिए अब हम इसको यहाँ ले लेंगे एक इस सिलाई में हमें ये मार्कर और रखने हैं उसके बाद हम इनको हटा देंगे ये हमारी सीधी सिलाई है सीधा फंदा बुना तो अब अगला फंदा हम उल्टा बुनेंगे यहाँ भी वही करते हुए जाना है हमें एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा और हमें ये फंदे घटा लेने हैं इस तरह से घटाते हुए हम यहाँ तक लाते हैं ये देखिए मैंने यहाँ भी बराबर फंदे घटा लिए हैं यहाँ थर्टी एट फंदे हैं मेरे यहाँ से यहाँ तक फोर्टी हैं और यहाँ भी मुझे थर्टी एट रखने हैं तो हम ये गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस ये भी मेरे थर्टी एट स्टिचेज हो गए लेकिन आप देखेंगे ये वाला मेरा फंदा सीधा है ये फंदा मैंने उल्टा ले लिया अब यहाँ पर ये मेरे दो फंदे सीधे आ जाएंगे वरना ये वाला बॉर्डर गड़बड़ हो जाएगा तो मुझे यहाँ एक फंदा या तो मैं बढ़ा दूँगी और या मैं यहाँ घटा दूँगी एक फंदा तो मेरा ये बॉर्डर बिल्कुल सही आ जाएगा इस तरह से एक फंदे का फ़र्क आप कर सकते हैं बॉर्डर को एडजस्ट करने के लिए एक से ज़्यादा फंदों का नहीं करेंगे अगर दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे कर रहे हैं तो दो फंदों का भी आ सकता है यहाँ गैप लेकिन मैंने ये एक फंदे सीधा एक फंदे उल्टे का बॉर्डर किया तो मेरा एक फंदे का गैप आया यानी कि यहाँ मेरे थर्टी सेवन स्टिचेज हैं यहाँ मेरे थर्टी एट स्टिचेज हैं एक फंदे का फर्क है बस अब यहाँ पर अब हमें इसमें पूरे बॉर्डर में कुछ नहीं करना है मार्कर भी हम हटा देंगे इसके और एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हुए हमें ये बॉर्डर कंप्लीट करना है बॉर्डर आप आठ सिलाई का भी कर सकते हैं दस सिलाई का कर सकते हैं बारह सिलाई का कर सकते हैं जितना भी आपको बॉर्डर पसंद हो आप इसको उतना बॉर्डर बुन लें उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें इसके फंदे बंद किस तरह से करने हैं आप चाहें तो इसका डबल बॉर्डर बना सकते हैं डबल बॉर्डर बना रहे हैं तो आठ सिलाई का बॉर्डर करेंगे तो आपको सोलह सिलाई बनानी पड़ेगी दस सिलाई का बॉर्डर करना है तो बीस सिलाई बनानी पड़ेगी लेकिन यहाँ मैं सिंगल बॉर्डर ही बनाऊँगी तो आपको सिंगल बॉर्डर के लिए इसमें जितनी सिलाई आप जितना चौड़ा आप बॉर्डर रखना चाहें उतनी सिलाइयाँ आप इसी तरीके से इसकी कर लें देखिए ये यह देखिए यहाँ हमने एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हुए इस तरह से ये दस सिलाई कंप्लीट कर ली है अगर आप चाहें तो यहाँ से गिन सकते हैं ये ये सिलाइयाँ अगर हम गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस सिलाई ये हो चुकी हैं आप इसमें आठ सिलाई भी कर सकते हैं या दस से ज़्यादा भी कर सकते हैं वैसे दस सिलाई इसमें परफेक्ट रहेंगी अब हम ये फंदे बंद करेंगे और इनको हमें बिल्कुल भी ढीला ढीला बंद नहीं करना है थोड़ा सा टाइट की तरफ हम लेके इसको बंद करेंगे देखिए okay. जो फंदा सीधा है उसको सीधा बुनेंगे और जो उल्टा है उसको उल्टा बुनेंगे और इसके ऊपर से ही उतार देंगे देखिए ये उल्टा फंदा बुना और फिर यहाँ से ये वाला फंदा इसमें लेके और ये यहाँ पकड़ के ऐसे उतार देंगे फिर सीधा बुनेंगे इस तरह से इसको उंगली से होल्ड करेंगे वरना फंदा निकल जाएगा तो ये खुलने का डर रहेगा इस तरह से हम इनको सारे फंदे बंद कर देंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुना है हमने आप चाहें तो सिंपल तरीके से भी जैसे दो फंदे साथ में लेके बंद करते हैं आप इसको उस तरीके से भी बंद कर सकते हैं देखिए इस तरीके से हम इसको बंद करते हुए सारे फंदे एंड तक बंद कर लेंगे देखिए इस तरीके से हमने इसको बंद कर लिया है और अब हम ये धागा पीछे की साइड लेके ये आप सलाई से भी कर सकते हैं आप क्रोशिया से भी कर सकते हैं आप ये पहनने के बाद गले की एकदम गोलाई बिल्कुल परफेक्ट गोलाई आएगी देखिए जब हम यहाँ बटन लगा देंगे तो एकदम गोल दिखेगा ये इस तरह से जब ये बॉडी पे आता है पहनने के बाद तो ये इस तरह से दिखेगा देखिए दिखे, बिल्कुल एकदम परफेक्ट गोलाई आई, आई है इसकी अब हम इसमें यहाँ पर ये बटन लगा देंगे एक एक बटन एक बटन मैं यहाँ लगाऊंगी जहाँ से मैंने ये बटन पट्टी शुरू की थी एक ये वाले काज के ऊपर लगेगा और एक ये वाले काज के ऊपर लगेगा इस तरह से हम इसमें बटन लगा देंगे अभी उससे पहले हम इसकी सिलाई कर लेते हैं सिलाई से भी पहले मैंने आपको ये दिखाया था ये मेरे से एक मिस्टेक थी इसमें अगर हमसे इस तरह के डिज़ाइन में ये मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको कैसे सही करेंगे आपको मैं ये दिखा देती हूँ ये देखिए जिस तरह से हमें इसको इस तरह का बनाना है हम तो पहले ये देख लेंगे ये कहाँ पर आ रहा है इसका ये वाला सिरा नीचे वाला जो हमारे ये पांच फंदे होते हैं एक दो तीन चार पांच इसके बीच वाले फंदे के ऊपर हमें ये लेना है क्योंकि हमें बीच वाला फंदा ही बांधना है और यहां से भी हमें ये एक दो तीन तीसरे फंदे के ऊपर हम इसको लेंगे यहां से हम इस तरह से इसको बांध देंगे ये देखिए बिल्कुल इसके जैसा ही ये दिखेगा इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने इसको बाद में बनाया है या पहले और पीछे की साइड हम इसे लाके पक्का कर देंगे अब हम करेंगे इसकी सिलाई तो देखिए हम सिलाई कैसे शुरू करेंगे ये देखिए नीचे हमारा ये डबल बॉर्डर है इसको हम कैसे सिलेंगे इसको हमें जैसे कि हमारा सिंगल बॉर्डर होता है तो हम ऐसे ही उठा के ऐसे सिल लेते हैं लेकिन जब हमारा डबल बॉर्डर है तो हमें इसकी दोनों साइड अलग अलग सिलनी होंगी हम इसको साथ में मिला के नहीं सिलेंगे और न इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी तो इस तरह से हम पकड़ेंगे और जो अंदर वाली साइड है ये देखिए ये ये उल्टी साइड है पीछे की साइड है और जो अंदर वाली साइड है पहले हम उसको सिलेंगे सिलना हमें उसी तरीके से है जैसे कि हम हमेशा मैं बताती हूँ स्वेटर सिलना जो हमने बिना बुना फंदा लिया होता है उसी को उठाते हुए हमें ये सिलाई करनी है इसकी इसीलिए हम दोनों साइड से बिना बुना फंदा लेते हैं ताकि हमारी ये सिलाई इसी इसी तरीके से हो सके और फिनिशिंग के साथ हो देखिए इस तरह से हमने सिल लिया अब ये ऐसा दिखेगा ये देखिए तो इसको हम यहां से फंदे उठाते हुए ये अलग से सिलेंगे तभी इसमें सफाई आएगी फिनिशिंग के साथ आएगी इसकी सिलाई दोनों साइडे हमें इसके अंदर की साइड बाहर की साइड दोनों अलग अलग सिलनी है ये देखिए ये हो गई हमारी बॉर्डर की सिलाई ये हमारी सीधी साइड आ गई और ये हमारी उल्टी साइड आ गई अब हमें यहाँ से सिलाई शुरू करनी है वही ये जो बिना बुने लिए गए फंदे हैं वो उठाते हुए और ये सिलाई करते जाएंगे हम हल्का सा टाइट रखेंगे ये वाला धागा खींच के ये हमें सिलाई करनी है आम होल तक जहाँ से हमारे मोंडे घटे थे वहाँ तक हमें इसी तरह से सिलते हुए जाना है और चारों चीज़ें हमें ऐसे ही सिल लेनी है दोनों आस्तीने हमें आम होल तक सिलनी है और दोनों साइडें हमें आम होल तक सिलनी है उसके बाद हम आस्तीनों को जोड़ेंगे देखिए इस तरह से सीधी साइड से हमारी इस तरीके की फिनिशिंग के साथ आएगी देखिए इस तरह से सिलते हुए हमें ये जहाँ तक हमने ये मोंडे घटाए हैं यहाँ तक यहाँ तक हम इसको सिलते हुए लाएंगे वहां से यहाँ तक तो पहले मैं इसको सिल लेती हूँ ये बिल्कुल इसी तरीके से हमें ये एक, -एक फंदा उठाते हुए ही एंड तक जाना है ये देखिए यहाँ से सिलते हुए हमने इसको यहाँ से और ये हम आम होल तक लेकर आ गए हैं इसको अब हमें इसमें आस्तीन जोड़नी है यहाँ से इस तरह से मैंने करके एक ये मिडिल में मार्कर लगा लिया है ताकि ये मिडिल वाला जो पार्ट है हमारा यहाँ पर टच हो जो हमारी ये कंधे की जो ये सिलाई होती है जहाँ से हमने फंदे बंद किए थे और जो ये सिलाई वाला पार्ट है इसको भी मैंने बिल्कुल उसी तरीके से सिला है जैसे मैंने ये साइड सिली है और ये वाला हमें इस तरफ रखना है ये जो हमारी सिलाई की जगह है जहाँ से हमने ये आस्तीन सिली और इधर से हमने ये दोनों पल्ले मिला के सिले ये दोनों आस्तीन की जगह इस तरह से मिला के सिलते हुए हम ये इधर लेकर आएंगे और जो ये हमारी मिडिल की जगह है ये इस पे टच होनी चाहिए ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए तभी ये फिनिशिंग के साथ आएगी अब हम इसको सिल लेते हैं पहले तो देखिए हम इसको सिलाई पे सिलाई मिला के और यहाँ से हम इसको सिलना शुरू करेंगे इधर से पकड़ लेंगे आस्तीन को हमें वैसे नहीं सिलना है जैसे कि हमने दोनों साइडें सिली हैं उसकी वजह यह है कि ये देखिए ये जहाँ जहाँ फंदे घटाए हैं कहीं से ये एक बराबर है कहीं से ये ऊपर नीचे है तो ये अच्छा नहीं लगेगा इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी तो मैं सिलाई का एक अलग तरीका बताती हूँ आपको कि हमें किस तरह से सिलनी है आस्तीन दिन यहाँ से ऐसे एक लंबा टाका लेंगे अगले टाके के लिए हम थोड़ा पीछे से निकालेंगे इसको और फिर आगे एक लंबा टाका लेंगे इस तरह से हमें इसको सिलना है एक टाका और दिखाती हूँ मैं यहाँ हमारा धागा दिख रहा है ये इसके पीछे की साइड से हम लेंगे और एक लंबा टाका लेंगे देखिए यहाँ धागा दिख रहा है इसके पीछे की साइड से लेंगे और एक लंबा टाँका लेंगे इस तरह से हमें ये पूरी गोलाई में आस्तीन सिलनी है सिलाई पे सिलाई रख के हमने शुरू कर दिया तो यहाँ का हमें कुछ देखना नहीं है ये गोलाई यहाँ कंप्लीट हो जाएगी बस हमें ध्यान रखना है ये मार्कर का मार्कर हमारा इस सिलाई तक जाना चाहिए ऐसे इसको नापते हुए आप बार बार इसको बीच में एक दो बार नाप लें और उसी हिसाब से कोई एक पल्ला अगर थोड़ा बहुत खींचना पड़े तो आप उसको हल्का सा खींच के इसे पूरा कर सकती हैं वैसे खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नाप के बनाएंगे तो ये बराबर ही आएगा इस तरह से सिलते हुए हम इसकी गोलाई कंप्लीट करेंगे और ये वाला टाका हमें थोड़ा सा ऐसे खींच के लेना है लूज नहीं छोड़ना है लूज छोड़ेंगे तो जब हम इसको सीधा करेंगे उधर से हमें टाका दिखेगा तो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं दिखेगी इस पर तो हम इसको थोड़ा सा खींच के लेंगे धागे को देखिए इस तरह से अब सीधी तरफ से देखेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये सिला हुआ दिखेगा देखिए दिखे। इस तरह से हम इसकी पूरी गोलाई सिल लेंगे दूसरी आस्तीन भी हमें इसी तरीके से जोड़ लेनी है ये देखिए इस तरह से यहाँ से ले जाते हुए हमने ये पूरी गोलाई में आस्तीन सिल ली है ये वाली भी और ये वाली भी दोनों आस्तीन सिल के तैयार कर ली हैं, अब हमारी ये स्वेटर पूरी तैयार हो चुकी है हल्का सा इसमें ए लाइन का लुक आएगा और इस तरीके से ये टॉप हमारा तैयार हो गया बिल्कुल कुर्ती के लुक में ये टॉप आएगा हल्का सा ए लाइन की इसमें शेप आएगी और ये देखिए ये यहाँ मैंने बटन लगा लिए हैं ये गला हमारा तैयार हो गया है सारी चीजें मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप बताई हैं आस्तीनें अलग मैंने वीडियो में बताई हैं नीचे से कैसे बुना जाएगा कैसे साइडों के फंदे घटेंगे कैसे मोंढ़ा घटाया जाएगा कैसे गला घटाया जाएगा कैसे बुना जाएगा गला और कैसे इसकी सिलाई होगी ये सारी चीज़ें मैंने अलग अलग वीडियो में इसके बता दी हैं तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू